हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो बात करेंगे नए टॉपिक की, और इस वीडियो का टॉपिक होगा मैनोमीटर। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, और हमने देखा किस तरीके से अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो हमने एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको बैरोमीटर कहा जाता है। आप उसमें मर्क्यूरी लेते हो और इन्वर्टेड मर्क्यूरी के अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल देते हो, और फिर आप उससे चेक करते हो कि मर्क्यूरी का हाइट कितना है। जितना भी मर्क्यूरी के कॉलम का हाइट है, आप उस मर्क्यूरी कॉलम के हाइट का प्रेशर निकालते हो, और मर्क्यूरी कॉलम का हाइट का जो प्रेशर होगा दैट शुड बी इक्वल टू एयर प्रेशर, बिकॉज वहाँ जाके मर्क्यूरी रुक जाता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनोमीटर की। आप जब भी किसी और गैस का प्रेशर निकालते हो अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैस, आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं निकालते, आप किसी भी सैंपल गैस का जब प्रेशर निकालते हो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहा जाता है मैनोमीटर। नाउ मैनोमीटर आर ऑफ वेरियस टाइप। मैं यहाँ दो सिंपल मैनोमीटर के टाइप्स को लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहला मैनोमीटर का टाइप है ओपन एंडेड मैनोमीटर, एंड द सेकंड वन विल बी कॉल्ड एज क्लोज एंड मैनोमीटर। ना ओपन एंड मैनोमीटर का मतलब क्या होता है, आप पहले तो आप मैनोमीटर को समझिए होता क्या है। आपके पास एक यू शेप ट्यूब होता है जहां आपने एक रिजर्वॉयर या मैं कहता हूं एक बल्ब लगाया हुआ है, जिसमें जो छोटा ये साइड है इसको छोटा रखा होता है और इसको बड़ा रखा होता है, क्योंकि आपके मर्क्यूरी जो इसमें आप भरते हो वो ऊपर या नीचे, जिसका हाइट डिफरेंस मुझे बताएगा कि एयर का प्रेशर कितना है। तो आप करते क्या हो, आप यहाँ पे किसी भी सैंपल गैस को लेके आते हो। लेट अस से मैंने सैंपल गैस ए यहाँ पे लाया है, मैंने सैंपल गैस बी यहाँ पे लाया है, और सैंपल गैस सी मैंने यहाँ पे लाया। अब मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे गैस को ऊपर से आप गैस को फिल कर सकते हो। आप जैसे ही गैस को फिल करोगे फिर आप उसको बंद कर दो, और यहाँ से आपका एयर ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। दिस विल बी दी प्रेशर एग्जर्टेड बाय दी एयर, और मुझे पता है एयर का जो प्रेशर होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एंड दैट कम्स आउट टू बी वन एटमॉस्फियर। एयर प्रेशर इज वन एटमॉस्फियर, दिस इज ऑल्सो वन एटमॉस्फियर, एंड दिस इज ऑल्सो वन एटमॉस्फियर। अब वन एटमॉस्फियर क्या होता है, हमने ये भी देख लिया था वन एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या होता है। ना सपोज आपने जब एयर अंदर डाला और आपका जो मर्क्यूरी कॉलम इनिशियली दोनों मर्क्यूरी का जो हाइट है, क्योंकि आप जैसे ही किसी चीज़ को अंदर डालते हो वो इक्वल हाइट पे आके अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे ही आपने गैस को यहाँ डाला मर्क्यूरी का कॉलम बिल्कुल भी नहीं हिला। क्यों नहीं हिला, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि एयर जो प्रेशर एग्जर्ट नीचे की तरफ कर रही है उतना ही प्रेशर एग्जर्ट आपका हवा भी कर रहा है। सिंस दोनों का प्रेशर इक्वल था इसीलिए मर्क्यूरी कॉलम नहीं हिला, मर्क्यूरी अंदर उतना का उतना ही है। तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तब होगा जब मर्क्यूरी कॉलम का हाइट इक्वल होता है। अब वो नीचे हो कि ऊपर हो, पर उनका दोनों साइड में दोनों एंड की तरफ उसका हाइट इक्वल होना चाहिए। ओके, अब गैस बी की बात करते हैं। आपने जैसे ही गैस बी को अंदर डाला व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि आपका गैस बी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसकी वजह से मर्क्यूरी कॉलम ऊपर चला गया है और मर्क्यूरी कॉलम कुछ हाइट्स एच से ऊपर गया। अब इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अगर गैस की वजह से यहां का मर्क्यूरी ऊपर चढ़ गया, दैट सिंपली मींस कि आपने यहां से जो प्रेशर एग्जर्ट किया है वो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है सर, ये अगर प्रेशर एग्जर्ट आप कर रहे हो, ये प्रेशर ऑफ गैस है, तो ये मर्क्यूरी ऊपर चलते जाएगा ऊपर चलते जाएगा ऊपर चलते जाएगा। ये तब तक ऊपर जाएगा जब यहाँ साइड का ओवरऑल प्रेशर उसके साथ मैच नहीं कर लेता। सर समझना, यहाँ साइड का ओवरऑल प्रेशर, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, अब गैस का प्रेशर कम था इसीलिए तो गैस का प्रेशर कम था, तो जब यहाँ यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम था तो आपके सैंपल ने यानी गैस बी ने जब प्रेशर एग्जर्ट किया तो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ गया। अब जब मर्क्यूरी ऊपर चढ़ गया है तो वो कुछ हाइट से ऊपर चला गया है, ये इतनी हाइट से ऊपर चला गया है। अब मुझे बताओ इस पूरे गैस पे गैस को अपोज कौन कौन कर रहा है। सर एक तो मर्क्यूरी का कॉलम कर रहा है जो एच हाइट से ऊपर चढ़ गया है, और ऊपर से एयर। सर ये तब तक ऊपर जाएगा जब हवा और मर्क्यूरी का दोनों का प्रेशर मिला के इसके प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। जब इन दोनों का प्रेशर मिला के, अब देखो मर्क्यूरी कॉलम का जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगता है मर्क्यूरी खुद प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है। जब मर्क्यूरी खुद प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है तो हम कहेंगे कि जब एयर और मर्क्यूरी का प्रेशर उतना हो जाता है जितना इसके बराबर हो जाए तब ये वहां आके स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस ही बात है। पर प्रेशर ऑफ गैस कितना है, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ कॉलम हाइट, या कह सकता हूं प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी हाइट। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी हाइट, सर प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी हाइट यानी प्रेशर ऑफ एच को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। दैट्स हाइट कितना है, कितने हाइट से ऊपर गया है, मल्टीप्लाइड बाय रो कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगता है वैसे वैसे मर्क्यूरी खुद प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है, और वहां आके रुक जाएगा जब उसका प्रेशर
प्लस हवा का प्रेशर इस एयर के प्रेशर के बराबर हो जाए तब वहाँ चीज़ें आके रुक जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपको हाइट कैलकुलेट करना है। हाइट कैलकुलेट, एयर प्रेशर हमको पता है कितना होता है, एयर प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, आपको इसका हाइट कैलकुलेट करना है। जैसे ही हाइट कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी पता चल जाएगा, उस प्रेशर को यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है और आपको गैस का प्रेशर पता चल जाएगा कि गैस कितना कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मर्क्यूरी की हाइट जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऊपर गया है, ठीक है, तो मुझे करना क्या है, 3 × ρ कितना होता है, 13.596 कुछ इसका वैल्यू होता है, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 980.6, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो आप इसको सिर्फ सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो भी प्रेशर आएगा दैट विल बी इन एटमोसफियर, आप उस प्रेशर को और एयर के 1 एटमोसफेयरिक प्रेशर को आप सिर्फ ऐड कर दो, जब आप उसको ऐड कर दोगे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा एयर प्रेशर कितना है। सर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप उसको कन्वर्जन फैक्टर्स में हेल्प करो, आप यहाँ से चाहो तो ये एटमॉस्फेयर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ये जो आंसर आया इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो और दोनों को ऐड कर दो। यूनिट्स एंड कन्वर्जन नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, ये आप देखो कैसे एडजस्ट करना उस चीज़ को, बट मुझे उम्मीद है कि एक बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया। ओके, आते थर्ड गैस के पास। सपोज करो आपके पास जो एक थर्ड गैस है, यहाँ मैंने गैस सी को लिया हुआ है और मान लो मैंने इसको यहाँ से डाल के बंद कर दिया। अब गैस सी को जैसे ही मैंने डाला उल्टा हो गया, ये यहाँ हाइट पे चढ़ गया। अब जब ये यहाँ हाइट पे चढ़ गया इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो ज़्यादा है और गैस का प्रेशर कम है। तो भाई एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, सर ये मर्क्यूरी कॉलम तब तक ऊपर जाएगा जब गैस का प्रेशर और मर्क्यूरी का प्रेशर मिला के, गैस प्रेशर ये गैस का प्रेशर और मर्क्यूरी का प्रेशर जो कि हाइट h से ऊपर गया है, दोनों का प्रेशर मिला के, क्योंकि दोनों मिलके अब नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो हवा के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, ये तब रुक जाएगा जब एयर प्रेशर विल बी इक्वल टू गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ सम हाइट h, मैं उसको h लिखता हूँ। तो व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर माइनस प्रेशर ऑफ हाइट, आपको यहां माइनस करना पड़ेगा। तब आप सिर्फ एक काम करो, देखो कितनी हाइट से ऊपर चढ़ा है, एच निकालो, एच निकालने के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, इसका फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइट विल बी एच इंटू रो इंटू जी, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्जन फैक्टर्स करो, कन्वर्जन फैक्टर्स करने के बाद आप वैल्यूज को पुटअप करो, प्रेशर ऑफ गैस आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन एंड मैनोमीटर। याद रखना ओपन एंड मैनोमीटर हम तब यूज करते हैं जब हम उस गैस का प्रेशर निकालते हैं, यानी जो हमारी गैस होती हैं, ये वो गैसेस होती हैं जिनका प्रेशर ऑलमोस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है। पर अगर मानो आपके पास कुछ गैसेस हैं जो बहुत हल्की हैं, बहुत ही कम प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, लाइट गैसेस इनको हम कहते हैं, अगर उन गैसेस का प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो हम एक नए मैनोमीटर पे जाते हैं जिसको कहा जाता है क्लोज एंड मैनोमीटर। ना क्लोज एंड मैनोमीटर में भी आप क्या करते हो सर, प्रिंसिपल सेम रहता है, बस आपको करना सिर्फ ये है, आप यहाँ पे ऊपर की ट्यूब को, ये जो आपका लॉन्ग ट्यूब यहाँ पे मैं आपने ओपन रखा था क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर के साथ आप कैलकुलेट कर रहे थे, अब आपको यहाँ एयर प्रेशर के साथ कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ आप देख रहे थे कितना एयर का प्रेशर है, फिर वो एडजस्ट होता है तो एयर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एयर के रेफरेंस में आप सब काम कर रहे थे। यहाँ आप इसको क्लोज कर दोगे और अंदर से सारी हवा बाहर निकालोगे, मर्क्यूरी अंदर डालोगे, तो ये जो गैप है यहाँ पर कोई हवा नहीं रहेगी, इट शुड बी कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड स्पेस, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से अपनी गैस को अंदर डालोगे, अगर आप यहाँ गैस अंदर डालते हो और अगर वो गैस का प्रेशर एग्जर्ट होता है, गैस विल बी एग्जर्टिंग सम प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से आपका मर्क्यूरी कॉलम कुछ हाइट एच से ऊपर चला जाता है और फिर जाके रुक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रेशर अगर वो जब वो रुक गया तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट हाइट। सर ये तो वही फंडा हो गया जो हम लोग एयर प्रेशर मेजर करने के लिए करते थे, पर वहाँ हम एक ओपन कंटेनर रखते थे, यहाँ हमारा कंटेनर बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ प्रेशर ऑफ हाइट कितना हो जाएगा, प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइट दैट विल बी एच इंटू रो इंटू जी, आपको सिर्फ हाइट देखना है कितना सेंटीमीटर वो ऊपर गया है या कितना मीटर वो ऊपर गया है और उस वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है। रो और एच जी का वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी, दिस रो विल बी कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। आप सिर्फ वैल्यूज को पुट अप करो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो आंसर फिर से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। आप कन्वर्जन फैक्टर्स करो, आपको किस में निकालना है,
आप एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो, टॉर में निकालना चाहते हो, पास्कल में निकालना चाहते हो, दैट्स योर विश। कन्वर्जेंस मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। सो मुझे उम्मीद है क्लोज एंड मैनोमीटर और ओपन एंड मैनोमीटर समझ में आया। ओपन एंड या क्लोज एंड में एक छोटा सा डिफरेंस है, दिस विल बी यूज फॉर गैसेज विच आर एक्जेक्टिंग लिटिल हायर प्रेशर एंड दिस इज यूज फॉर द गैसेज विच आर एक्जेक्टिंग लिटिल लोअर प्रेशर और यू कैन से मच लेस देन द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर एंड दैट्स ऑल अबाउट मैनोमीटर। थैंक यू।